नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं शैलेंद्र। अगर आप लोग भोपाल में रह रहे हैं या मध्य प्रदेश में कहीं रह रहे हैं, तो अगर आप लोगों को IIT की तैयारी करनी है, JEE की तैयारी करनी है ना, तो आप लोग औरुष एकेडमी नाम की एक कोचिंग है ना, उस एकेडमी में आप आके यहाँ तैयारी कर सकते हैं, है ना। ये एकेडमी कहाँ है? प्लाट नंबर R4 अपोजिट रेलवे ट्रैक, Zone 2, MP नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश में है ना स्थित है। अब ये औरुष एकेडमी कौन कौन से प्रोग्राम करवाती है, उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं, है ना। ये जो प्रोग्राम करवाती है, क्लास 8th के लिए, क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, और क्लास 11 संकल्प प्रोग्राम, क्लास 12th और क्लास 12th पास आउट, है ना। अब देखते हैं क्लास 8th के लिए क्या क्या करवाती है ना। इसके लिए 5 ईयर प्रोग्राम है। दिस प्रोग्राम इंक्लूड प्रिपरेशन फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम NTSE, NSEGS एंड डिफरेंट ओलम्पियाड एंड फॉर फाउंडेशन कोर्स एंड JEE मेंस प्लस एडवांस फॉर सीनियर लेवल, है ना। दिस प्रोग्राम इज आइडियल प्रोग्राम टू स्टार्ट जनरली फॉर IIT JEE प्रिपरेशन एंड इट हेल्प टू इन प्रिपरेशन ऑफ NTSE 8th क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास स्कूल एग्जाम 10th एंड 12th बोर्ड विच आर माइलस्टोन फॉर IIT JEE प्रिपरेशन। अब प्रोग्राम डिटेल क्या है? 1000 आवर्स ऑफ क्लास फॉर क्लास 8th एंड 9th 10th एंड NTSE टेस्ट सीरीज और 26 मेरिट टेस्ट, है ना, और सॉरी माइनर टेस्ट और 11 मेजर टेस्ट और 1000 आवर्स ऑफ क्लास फॉर 9th, सॉरी 11th एंड 12th, 140 आवर्स ऑफ रिविजन क्लासेस, 22 मिनट टेस्ट, 7 मेजर टेस्ट, टेस्ट सीरीज ऑफ फॉर JEE मेंस एडवांस रेगुलर डाउट क्लासिंग सीजन, है ना। सब्जेक्ट कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस एंड मेंटल एबिलिटी फॉर क्लास 8th, 9th एंड 10th एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फॉर 11th एंड 12th, है ना। ये क्लास 8th के लिए है ना। अब इसी के साथ क्लास 9th के लिए भी है ना। ये कितने साल? ये 4 ईयर का प्रोग्राम है। दिस प्रोग्राम इंक्लूड प्रिपरेशन, देखिए बाकी प्रोग्राम डिटेल यही सेम है ना, उतनी चीजें पढ़ाई जाती है, पर लेकिन फोर जैसे 8th क्लास में 5 ईयर्स का प्रोग्राम था, 9th क्लास में 4 ईयर का प्रोग्राम, इधर क्लास बढ़ा उधर प्रोग्राम घटा, है ना। दिस प्रोग्राम इंक्लूड प्रिपरेशन फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम वही NTSE, NSEE, JS एंड डिफरेंट ओलम्पियाड फॉर फाउंडेशन कोर्स एंड JEE मेंस प्लस एडवांस KVPY फॉर सीनियर लेवल। दिस प्रोग्राम इज आइडियल प्रोग्राम टू स्टार्ट जनरली फॉर IIT JEE प्रिपरेशन एंड इट्स हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ NTSE 10th 12th बोर्ड KVPY विच आर माइलस्टोन फॉर IIT JEE प्रिपरेशन, है ना। अब इसमें कौन कौन सब्जेक्ट सब्जेक्ट कवर किया जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस, मेंटल एबिलिटी फॉर 9th एंड 10th, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फॉर 11th एंड 12th, है ना। अब इसी के साथ 10th क्लास में जो है ना, ये कोर्स कितना 3 ईयर्स प्रोग्राम है। सिंक्रोनाइज स्टडी फॉर सॉरी सिंक्रोनाइज स्टडी ऑफ क्लास 10th बोर्ड एंड क्लास 12th प्रिपरेशन। दिस प्रोग्राम इंक्लूड प्रिपरेशन फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम NTSE और एंड डिफरेंट ओलम्पियाड फॉर फाउंडेशन कोर्स एंड JEE मेंस एडवांस एंड एडवांस KVPI फॉर सीनियर लेवल। दिस प्रोग्राम इज आइडियल प्रोग्राम टू स्टार्ट जनरली फॉर IIT JEE प्रिपरेशन एंड इट हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ NTSE 10th एंड 12th बोर्ड KVPI विच आर माइलस्टोन फॉर IIT JEE, है ना। अब मैं वीडियो बनाऊंगा, एक बार वीडियो बनाऊंगा NTSE क्या होता है ना, और KVPI क्या होता है, ये सभी चीजें बताऊंगा आप लोग, है। अब इसमें सब्जेक्ट कवर कौन कौन सा होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस और मेंटल एबिलिटी ऑफ फॉर क्लास 10th एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऑफ 11th एंड 12th, है। अब इसके बाद क्लास 11th के लिए इसी तरीके से है, इसमें भी 2 ईयर्स का प्रोग्राम है। सिंक्रोनाइज स्टडी ऑफ क्लास 12th बोर्ड। दिस प्रोग्राम फोकस ऑन प्रिपरेशन ऑफ IIT JEE along with various engineering entrance exam and olympiad KVPY. This program help you excel in 12th board exam also,
एंड इसमें क्या कवर करा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th एंड 12th, है ना। अब जो संकल्प प्रोग्राम क्या है 11th क्लास के लिए, दिस प्रोग्राम फोकस ऑन प्रिपरेशन आईआईटी जेई मेन एडवांस अलोंग विद वेरियस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम एंड ओलंपियाड केवीपीवाई। दिस प्रोग्राम हेल्प यू एक्सेल इन 12th बोर्ड एग्जाम। आल्सो क्लासेस फॉर एडिशनल सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन आर आल्सो कंडक्टेड फॉर स्कूल एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। सिलेबस ऑफ बोर्ड एग्जाम विल आल्सो बी कवर्ड टू इंश्योर सुपीरियर परफॉर्मेंस इन बोर्ड एग्जाम। इसमें क्या कराया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर क्लास 11th एंड 12th, है ना। और इसी के साथ क्या है, वन ईयर का प्रोग्राम है सिंक्रोनाइज स्टडी ऑफ जोन 12th बोर्ड। दिस प्रोग्राम फोकस ऑन प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस अलोंग विद वेरियस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम ओलंपियाड एंड केवीपीवाई। दिस प्रोग्राम हेल्प यू एक्सेल इन 12th बोर्ड एग्जाम आल्सो, है ना। इसमें क्या करा जाता है कवर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, है ना। इस तरीके से ये ऑरस एकेडमी प्रोग्राम कराती है ना। अब इसके अगर आप अलग पास आउट है तो वन ईयर एक्सटेंडेड प्रोग्राम है ना। दिस प्रोग्राम इंक्लूड प्रिपरेशन फॉर आईआईटी जेई, है ना। अब इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है ना। तो इन सब में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। इन सब में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, दो होते हैं, है ना। तो इसके लिए पहले मैं एप्री बताऊंगा, इसके बाद दूसरा बता दूंगा, है ना। और उस एप्री क्या है, और उस एकेडमी इज रन बाय इंडिया टॉप एजुकेटर एंड एक्सपर्ट, कीपिंग इन माइंड द पैटर्न ऑफ एक्चुअल एग्जाम एंड इट्स इन्वॉल्विंग नेचर देयर बाय grooming student for success in IIT JEE. The APRI AURUS potential recognized exam. This test is conducted to give admission to the student by recognizing their academic ability. Student who perform exceptionally well in the exam are also offered scholarship, followed by interview to reward their performance. APRI has been designed keeping in mind about the potential student to encourage to perform better. है ना, ये समझो कि स्कॉलरशिप टेस्ट है, है ना। और उसके अंदर अब इसमें डिटेल क्या है इस APRI का, ये डिटेल ये है, एग्जाम टाइमिंग क्या होगा, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा 12 PM से 2 PM। एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर स्टूडेंट प्रेजेंटली इन क्लास 7th 8th 9th 10th 11th गोइंग टू क्लास, प्रेजेंटली अवे हैं और गोइंग टू क्लास 8th 9th 10th 11th एंड 12th इन 2023, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, 300 है। और एग्जाम डेट कब होगा, 11th जून 2023 होगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब करना, 10th जून 2023 करना है। और डिक्लेयर होगा रिजल्ट आपका 14 जून 2023 को। एग्जाम ड्यूरेशन कितने टाइम का रहेगा, 2 आवर्स का रहेगा। अब हाउ टू रजिस्टर, रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, ऑफलाइन रजिस्टर कर सकते हैं कॉलेज में जाके, सॉरी कोचिंग में जाके, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पास आप क्लिक करिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ और यहाँ पास क्लिक करेंगे, है ना। देखिए मैं क्लिक किया हूँ तो ये आपका खुल गया पूरा, है ना। मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आ जाएगी तो आप लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, है ना। ये अच्छी कोचिंग है। अभी कम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में, इसके आप कौन कौन से कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रही है, है ना। आप ये लोग देखिए, देखिए जेई एडवांस नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस, BIT SAT नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, जेई मेंस, है ना। इतने एग्जाम की तैयारी करवाती है और भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करवाती है और उस एकेडमी, है ना। तो इस कोचिंग में आप लोग अगर आप एडमिशन करना चाहते हैं तो आप लोग एडमिशन करा सकते हैं, है ना। अब ये एडमिशन का पोर्टल आ गया है ना। अपना नाम रिक्वेस्ट, आपका कॉल बैक, नाम, ईमेल, फोन नंबर, कोर्स सबमिट कर दीजिए, है ना। अब ये कोर्स ऑफर है, है ना। इसके बारे में भी आपको बता दूंगा कौन कौन सा कोर्स चल रहा है, है ना। तो अब मैं इस वीडियो की हिस्मत करता हूँ। इस तरीके का वीडियो देखने के लिए, कोचिंग से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।